आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जिला बस्तर छत्तीसगढ़ से राजेश मेहरा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के साथ। बस्तर अंतर्गत बकावन थाना अंतर्गत अवैध शराब बिक्री, परिवहन एवं शराब कोचियों पर पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही एवं बकावन पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत 3 प्रकरण दर्ज किया गया। 3 आरोपियों से पृथक पृथक कुल 11.62 लीटर कीमत करीबन 7,500 रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई। पुलिस द्वारा राजेश सोनी, पिता गोपाल कृष्ण सोनी, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम करंजी सोनारपारा, दिवाकर कश्यप, पिता खगपति कश्यप, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम बकावन बाजारपारा एवं पदमचरण बिसाए, पिता धनेश्वर, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम राजनगर तालापारा को गिरफ्तार किया गया है। जिला बस्तर में होली के मद्देनजर अवैध शराब परिवहन बिक्री एवं अवैध शराब कोचियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ गिरफ्तारी अभियान के तहत उमनी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीना के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भानपुरी श्री घनश्याम कांबे के कुशल मार्गदर्शन में अवैध शराब परिवहन बिक्री एवं शराब कोचियों विरुद्ध अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में थाना प्रभारी बकावन निरीक्षक चंद्रशेखर श्रीवास के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीम बनाकर पतासाजी की जा रही थी। इसी तारतम्य में गठित तीनों टीमों द्वारा दिनांक 5 मार्च को मुखबिर सूचना पर अलग अलग स्थानों में घेराबंदी रेड कार्रवाई कर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया गया, जिसमें ग्राम करंजी में आरोपी राजेश सोनी से 3.14 लीटर अंग्रेजी शराब, ग्राम बकावन में आरोपी दिवाकर कश्यप से 3.93 लीटर अंग्रेजी शराब, ग्राम राजनगर में आरोपी पदमचरण बिसाई से करीबन 4.55 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। उपरोक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध पृथक पृथक प्रकरण 34(1)(a) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इस संपूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक टुमन लाल, सहायक उपनिरीक्षक फुल सिंह ठाकुर, हेमराज साहू, प्रभारी आरक्षक मोहन कश्यप, टेकराम देशमुख, सुखनंदन कोराम, आर भीषम ठाकुर, मंधर बघेल, बलिराम कश्यप, महिला आरक्षी सोनमति बघेल, अनामिका, सहायक आरक्षी भोला बघेल, मेघनाथ कश्यप, संजीत बंजारे की प्रमुख भूमिका रही।